नमस्कार साथी, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे ही अपना चैनल दो कदम। आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे पैन कार्ड के लिए, क्या प्रोसेसिंग है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वो सारा प्रोसेसिंग आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में किस तरीके से आप जो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वैसे तो मैंने जो है यूटीआई पीएसए पोर्टल पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, लेकिन वो 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए बनाई है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो 18 साल से कम उम्र की। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको जो है डॉक्यूमेंट में क्या क्या अटैच करना है, वो सारा बेसिकली फंडा आपको इसी वीडियो में बताने वाले। इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में पहले अगर चैनल पर नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर अपडेट वीडियो की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। सो गाइस, यहां पर मैं आपको यूटीआई के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं और सीएससी के माध्यम से अप्लाई करते हैं, तो वो भी जो है यूटीआई के पोर्टल से ही अप्लाई होता है। तो यहां पर मैं किसी एक पार्टिकुलर के विषय पर चर्चा करूंगा, कोई एक वेबसाइट पर लेकर आपको पूरा डिस्कशन समझाऊंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहां पर मैं पीएसए पोर्टल के बारे में डिस्कशन करूंगा और पीएसए पोर्टल के माध्यम से आपको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये तीनों जो है सेम तरीके से ही अप्लाई होंगे, इसलिए मैंने जो है यहां पर पीएसए पोर्टल के माध्यम से बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पीएसए पोर्टल है और नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पीएसए पोर्टल की आईडी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर पीएसए पोर्टल पर जाता हूं और वहां पर मैं अपनी आईडी को लॉगिन करता हूं। जैसे कि यहां पर मैं पीएसए पोर्टल पर हूं और मैंने अपनी आईडी को यहां पर लॉगिन कर ली। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा अकाउंट जो फाइनल तरीके से लॉगिन हो गया है और यहां पर मेरे सामने एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है अवेलेबल कूपन का। मतलब ये कि मुझे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरे पास कितने कूपन बचे हुए हैं उसी की जानकारी मुझे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास फिलहाल एक ही कूपन उपलब्ध है, मतलब यहाँ से मैं एक ही पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर आवेदन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। चलिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो है फॉर्म 49A सर्विस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये तो देख सकते हैं आप सभी इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शनों की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आपको सेकेंड वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्री फॉर्म एंट्री, इसी पर आपको क्लिक करना है क्योंकि ये आवेदन का पहला चरण होता है। सिंपली आप जो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्री फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जानकारी देनी होगी, जो भी उनके आईडी प्रूफ में है, चाहे आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर उनकी सही सही जानकारी देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए उनके आधार कार्ड के माध्यम से ही उनकी सारी बेसिकली डिटेल यहाँ पर फिल करूँगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले स्टेप पर पूछा जाता है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, मतलब आवेदक का क्या टाइप है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ या फिर आप किसी दूसरे के लिए भी कर रहे हैं साधारण व्यक्ति के लिए, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है फिजिकली पैन कार्ड विल बी डिलीवरी टू एप्लीकेशन एड्रेस, ई पेन विल बी सेंड टू एप्लीकेशन ईमेल, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी है जिस पर आप 3 दिन में ई पेन कार्ड ले सकते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी है और नहीं है तो आपको कैसे बनाना है, इसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से विजिट करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप ईमेल बना सकते हैं। फिलहाल हम ईमेल वाला एक ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें 3 दिन में ई पैन कार्ड मिल जाएगा। अगर आप बाय पोस्ट लेना चाहेंगे तो वो कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है, कभी तो महीनों भर लग सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है एप्लीकेशन का टाइटल, तो टाइटल में या जो भी आप नाम देना चाहेंगे उनके नाम के पहले, कुमारी, श्रीमती, श्री, मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ यानी पुरुष के लिए, तो यहाँ पर मैं श्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी भी बच्चे के लिए आवेदन करते हैं तो आपको श्रीमती सेलेक्ट करिएगा, SMT, तो यहाँ पर मैं श्री सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद उनके आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, जैसे आधार कार्ड में नाम है वैसा ही मैंने यहाँ पर एंटर किया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है जेंडर, तो ये पहले से ही सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट के जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसे मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है 0101, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन है 2004,
जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन शो करेगा इसी बॉक्स के नीचे माइनर एप्लीकेंट, मतलब ये कि इस बच्चे के साथ किसी एक का डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि उनके फादर्स की डिटेल, क्योंकि माइनर में उनके फादर्स की ही डिटेल रहेंगी। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है फादर्स का नाम, अगर आप अपने पैन कार्ड पर लिखवाना चाहते हैं प्रिंटेड नेम तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फादर या मदर का नाम। अगर आप मदर का नाम लिखते हैं तो वो करप्शन में चला जाता है। मैं कई बार काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट देखा हूँ और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी देखा हूँ कि उन लोग जो है बताते हैं कि हमारा आवेदन करप्शन में चला गया। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि आपको फादर्स का ही नाम सेलेक्ट करना है, मदर्स का नाम बिल्कुल ही सेलेक्ट नहीं करना है, चाहे आपके फादर्स रहें या ना रहें। कई कई ऐसा ऐसा कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि मदर्स नहीं रहती तो वो अपने फादर्स का नाम दे सकते हैं, और कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके फादर्स ख़त्म हो जाते हैं ओनली मदर्स रहते हैं तो वो अपने मदर्स का नाम देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, उनको अपने फादर्स का ही नाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि फादर्स का नाम कंपलसरी रहता है, नहीं तो आपके पैन कार्ड करप्शन में चला जाएगा और काफ़ी लंबा समय लग भी सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके फादर्स का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उनके मदर्स का नाम भी यहाँ पर दे देना है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर उनके फादर्स का नाम दे दिया है, जैसे उनके आधार कार्ड पर था वैसे ही मदर्स का नाम भी मैंने दे दिया है जो भी उनके आधार कार्ड पे था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपको कह रहा है रेसिडेंट का स्टेट्स, जो भी आपका स्टेट्स है आवेदक का तो वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के यूज़र्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश का स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको ऑफिस स्टेट कह रहा है, इसे आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कंपलसरी है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस एड्रेस पर अपना पैन कार्ड लेना चाहेंगे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वही डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑफिस और रेसिडेंट, तो आपको रेसिडेंस वाला एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर और भी बेसिकली डिटेल दे सकें। यहाँ पर आपको कह रहा है कि यदि आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको यहाँ पर डिटेल देना है, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की डिटेल मेंशन कराना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टिक करना होगा। जैसे आप टिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, या फिर जिस भी कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। एक सेकेंड ऑप्शन और भी मिलता है एनरोलमेंट वाला, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन को दे सकते हैं और जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो फिलहाल इनके पास आधार कार्ड है और मैं यहाँ पर आधार नंबर फीड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर उनका आधार नंबर एंटर कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चेक आधार का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पुनः उनका आधार नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, री एंटर आधार नंबर 6272226239 07। इसके बाद आपको जो है ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उनके आधार नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और ये डिटेक्ट भी कर लिया और यहाँ पर मैच भी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट में जो भी नाम है, जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मैं उनका नाम यहाँ पर फीड कर देता हूँ, जिनका नाम है आशीष, ASHESH। तो यहाँ पर जैसा आधार में नाम है वैसा ही मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रूफ ऑन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड में आप क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आईडी प्रूफ में, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में क्या देना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इस पर भी मैंने जो है आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इस पर भी मैं आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कॉन्टैक्ट नंबर और आपको कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, तो आप यहां पर दे दीजिएगा। जैसे कि यहां पर मैंने जो है कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी दे दिया है। इसके बाद यहां पर आपको कह रहा है कार्ड डिस्पैच, किस एड्रेस पर आप अपना कार्ड लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस यानी, और एक है रिसीवेंट एड्रेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस इसे सेलेक्ट कर लेना है, और यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडियन या फॉरेन, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो कार्ड में आप जो नॉर्मली वाला है इसे ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप कस्टमर को दे सकते हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई आवेदन किया हुआ है, ताकि वो इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से कभी भी किसी भी जगह से वो
अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सके। कैसे चेक किया जाता है इस विषय में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहां पर कौन सी बात है जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, यहां पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका आधार नंबर मैच है या नहीं, वो आपको यहां पर चेक करना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और आपके सामने इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल एप्लीकेशन का जो है आधार मैच है, तो यहां पर मैच जो शो कर रहा है। अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, क्या प्रोसेसिंग है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका अगला चरण होता है मेन फॉर्म एंट्री, कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपको पुनः वही ऑप्शन पर जाना है, फॉर्म 49 ए सर्विस, और यहां पर आपको खोजना है कि मेन फॉर्म एंट्री कहां पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन फॉर्म एंट्री का एक ऑप्शन है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे जितने भी आप फॉर्म फिल किए हैं उनकी सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे कूपन नंबर, एप्लीकेशन का नाम और यहां पर उनका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कूपन नंबर दिखाई दे रहा है, यहां पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप विंडोज खुल जाएगी जिस पर आपको ओरिजिनल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, मतलब मेन फॉर्म एंट्री ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सामने एक अलर्ट शो करता है, आधार मैच द यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल, आपके अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही यहां पर आवेदक की जानकारी देनी है। तो चलिए यहां पर भी आपको फटाफट से आवेदन करना है, जैसा डिटेल हमने प्री फॉर्म एंट्री पर दिया था वही डिटेल आपको यहां पर फटाफट से देना है। तो चलिए यहां पर मैं सारी जानकारी को मैं फटाफट से फिल कर लेता हूं, क्योंकि इस पर टाइमिंग वगैरह देता है और बाद में ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है अगर टाइमिंग खत्म हो जाता है। आपको तो पता ही होगा कई बार आप अप्लाई किए हैं तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, सारा कुछ तो पहले से भरा हुआ है लेकिन जो डिटेल यहां पर फिल नहीं है उसे आपको यहां पर भरना है। तो बेसिकली कौन कौन सी डिटेल है उसे आपको बता देता हूं। यहां पर आपको कह रहा है रेंज कोड वगैरह, एओ कोड वगैरह, तो ये सारा कुछ आपको यहां पर फिल करना होगा। ये कहां से मिलेगा, तो यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फीड के लिए, तो यहां पर आप क्लिक करके आप फीड डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर जो है एरिया कोड, एओ टाइप, ये सारा कोड हम देख लेते हैं कहां पर मिलेगा। तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। यहां पर सिटी के फर्स्ट नेम शो करेंगे, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मंडला जिले के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आपको यहां पर एम का ऑप्शन मिलता है, मतलब एम मंडला से आता है इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया। अगर आपका एस है तो आप एस नेम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपका जिला पी से आता है तो आप पी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एम से आता है इसलिए मैंने जो है यहां पर एम सेलेक्ट किया, और आपके सामने इस तरीके से एम के आल लिस्ट आ जाएंगे जिस पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है कि आपका जिला कहां है। ये देखिए मेरे सामने है मंडला, इसे मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, तो यहां पर जो है मंडला का एरिया कोड, रेंज कोड, सारा कुछ कोड यहां पर आ गया है। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। एरिया कोड में है बीपीएल, तो मैं चलिए यहां पर बीपीएल टाइप कर लेता हूं। तो ये वाला कोड मैंने जो है अपने खुद के ओरिजिनल पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर डाल दिया है जहाँ पर मांगा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है, वैसे आप यहाँ से भी फीड करके डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी नाम पहले से ही डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फादर्स नेम की डिटेल भी यहाँ पर पहले से फिल है। लेकिन ये हम आ जाते हैं सातवें नंबर पर, तो यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस वगैरह डालना है जो भी अपने आधार कार्ड पर है, तो वो बेसिकली डिटेल आप यहाँ पर फटाफट से फिल कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पर फिल कर लेता हूं, जैसे कि मैंने जो है यहां पर कैंडिडेट के जो भी एड्रेस है वो मैंने यहां पर फिल कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां पर ऑफिस एड्रेस, इसे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा आठवें नंबर है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना, पहले से ही ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये भी पहले से ही मैंडेटरी है, यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर नाम वगैरह, तो यहाँ भी पहले से मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि प्री फॉर्म एंट्री में हमने सारा कुछ फिल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल हमें फिल करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं तेरहवें नंबर पे, तो यहाँ पर आपको सिक्योर ऑफ इनकम, तो आपको यहाँ पर नो इनकम वाला एक ऑप्शन है, इसे आपको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है, यानी इसे डिसेबल कर देते हैं, इनकी कोई आय पूंजी नहीं है। इसके बाद ये वाला जो कॉलम है इसे आपको फिल करना है, चौदहवां नंबर कॉलम, यहाँ पर आपको किसकी डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर उनके फादर्स की डिटेल फिल करनी है, जो भी कैंडिडेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं जो 18 साल से कम है, क्योंकि माइनर का डिटेल यहाँ पर देना होता है। तो चलिए यहाँ पर उनके फादर्स की डिटेल दे देते हैं, जो भी उनके आईडी प्रूफ में है, जैसा उनके आधार कार्ड में है, क्योंकि आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होता है, इसलिए आधार कार्ड में उनका फादर्स का जो भी डिटेल है वही आपको यहाँ पर देना होगा।
तो चलिए मैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पर मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर उनके फादर्स की डिटेल दे दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरी सेलेक्ट किया हुआ है, जैसा उनका आधार कार्ड पे नाम था वैसा ही जैसे लास्ट नेम में था, तो मैंने एक ही नाम है तो लास्ट नेम पर एंटर किया है, और उनका जो भी एड्रेस था उनके आधार कार्ड पर तो वो भी मैंने यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं 15वें नंबर पर, तो 15वें नंबर भी डिसेबल है क्योंकि ये पहले से ही हमने प्री फॉर्म पर मैंडेटरी कर दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं 16वें नंबर पर, तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे हिमसेल्फ का एक ऑप्शन है, इसे आपको सेलेक्ट करके वेरीफाई नाम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको कह रहा है प्लेस वेरीफिकेशन, तो ये आपका जो भी स्थान है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको पूरा आवेदन को एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल आपने फिल करी है वो सही है नहीं, कुछ कुछ डिटेल आपको फिल करना होता है, वैसे तो बेसिकली ऑटोमेटिकली पहले से ही आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखें सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आप जिस पर क्लिक कीजिए तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आवेदन जो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया और इस तरीके से रिडायरेक्ट हो गया है, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ओके कर देना है और यहाँ पर से देख सकते हैं नाम हट गया है। अब आपका अगला चरण क्या होगा वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब होगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, कैसे अपलोड करना है वो भी आपको बताऊंगा, और क्या साइज बनाना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म 49 ए सर्विस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे अपलोडेड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है यूजर के डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके, क्या साइज वगैरह बनाना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज वगैरह फॉर्मेट वगैरह वो सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत आती है इस हिसाब से साइज बनाने में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सेपरेटली तरीका बताऊंगा एडोब फोटोशॉप के माध्यम से कैसे आपको जो है आसानी से फोटोशॉपिंग के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट की साइज बनाना है। लेकिन इससे पहले हमें अभी ये जानना जरूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक करना है, जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कह रहा है पेन फॉर्म तो अभी हमने डाउनलोड नहीं किया है, उसे भी आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद आता है पिक्चर, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का ही पिक्चर अपलोड करना है, मतलब बच्चे का ही पिक्चर अपलोड करना है, और सिग्नेचर भी बच्चे का ही आपको देना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई सारी वीडियो देखे हैं, उन सभी में आपको यही जानकारी मिलती है कि यहाँ पर फादर्स की ही सिग्नेचर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप बच्चे का ही सिग्नेचर अपलोड करेंगे। कैसे अटैच करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, पेन एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हम जैसे ही 49 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, रीजनरेट पेन एप्लीकेशन का। सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, आप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, मैंने कॉपी किया था वो एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है। इसके बाद आप जैसे सबमिट करेंगे इस तरीके से आपके सामने पॉपअप खुल जाएगा, और ये देखिए वो फॉर्म आ गया है जिसे हमने अभी अभी फिल किया हुआ था। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अटैच करना है और फोटो के साथ अटेस्टेड सिग्नेचर कराना बच्चे का कुछ इस तरीके से, वैसे ही आपको यहाँ पर फोटो लगाना है बच्चे का और बीचों बीच आपको बच्चे का सिग्नेचर करना है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर बच्चे का यहाँ कराना है और यहाँ पर आज की डेट लिखना है। तो ये इतना सा काम आपको करना है, प्रिंट आउट इसे निकाल कर ये सारा कुछ, और इसे स्कैन करके वापस ही ले आना है एडोब फोटोशॉप पर, और आगे मैं आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा एडोब फोटोशॉप से साइज वगैरह। तो चलिए हम एडोब फोटोशॉप पर चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी प्रिंट आउट कर लेते हैं। प्रिंट है, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने जो है सभी डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कैंडिडेट का आधार कार्ड, मतलब यूज़र का जिस बच्चे के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उनके फादर्स का आधार कार्ड ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बच्चे का फोटो भी मैंने यहाँ पर स्कैन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे का फोटो और ये है बच्चे का सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्कैन कर रखा है। और तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन फॉर्म पर भी मैंने सारा कुछ अटैच करा लिया है बच्चे से, तो यहाँ पर है बच्चे का फोटो और फोटो के साथ कुछ इस तरीके से अटेस्टेड सिग्नेचर कराया हुआ है, और यहाँ पर भी बच्चे का फोटो लगाया हुआ है, और बीचों बीच यहाँ पर आपको बच्चे का सिग्नेचर कराना होता है पेन फॉर्म पर, और यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर कराना होता है। तो आप ये सारा कुछ करा लीजिएगा, और साइज़ वगैरह बनाना कैसे है इस विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, वही साइज़ से आपको बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर फादर्स की डिटेल बस अटैच करना है।
वही प्रक्रिया है जैसा मैंने आपको पहले बताया है। 213 213 में आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर वही 600 DPI पर रहेगा और फॉर्म भी वही तरीका है। तो फॉर्म का साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पुनः बता देता हूँ और इन सभी के साइज़ वगैरह कैसे बनाना है इस विषय में मैंने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर फॉर्म कर देता हूँ ताकि ये मुझे पता चल सके कि ये पेन फॉर्म है, PPPP कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड पर 664 करना है। यहाँ पर आपका यही साइज होता है किसी भी पेन फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो 664। और यहाँ पर आपको MM की जगह फिक्सल कर देना है और मैं ये जो साइज बता रहा हूँ बिल्कुल करेंटली है और यही अपडेट्स है, 2200 है और यहाँ पर इसे भी फिक्सल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलेशन में 200 DPI में मांगा जाता है तो इसे आपको 200 DPI कर देना है और ओके कर देना है। इस तरीके से आपका पेन फॉर्म का साइज आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना ये पूरा का पूरा को इसे ट्रेक कर देना कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ट्रेक कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने जो है फॉर्म को ले लिया है और अटैच वगैरह कर दिया फॉर्म को इस तरीके से मेन वाले पे। और अब हम जो है स्टूडेंट मतलब जो भी बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम ट्रेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम फादर्स का भी ट्रेक कर देते हैं इसी फॉर्म के साथ, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर अटैच करना है। चलिए हम इसे थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इन्हें सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने जो फॉर्म लगा दिया है, इसके बाद कैंडिडेट का आधार और इसके बाद उनके फादर्स का भी आधार, मतलब ये कि सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपको इसे कर देना है लॉक कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ, आपको ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट ई, तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद आप इसे जो एरिया ख़राब से बच रहा है उसे आप कर दीजिए क्रॉप यहाँ से इतना, ये देखिए मैंने क्रॉप कर दिया है। और आप इसे जूम करके देखेंगे तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियरली दिखेगी, ये देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपको क्लियर दिखना चाहिए और जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ भी क्लियर दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से आप साइज बनाएंगे ना तो आपका क्लियरली जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, लेकिन आपको सेव करते समय ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेन फॉर्म होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा, क्योंकि स्पष्टली बताया गया था कि आपका जो पेन फॉर्म होगा वो PDF में होंगे, बाकी सिग्नेचर और फोटो ये दोनों JPG फॉर्मेट में होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है PDF, तो यहाँ पर PDF सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिए PDF आ गया है। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर, ओके। तो ये फाइनल तरीके से सेव हो गई है। चलिए अब हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप जो है इन्हें भी सेव कर लीजिएगा JPG फॉर्मेट में, फ़ोटो को भी और सिग्नेचर को भी। तो मैं वापस से PSA पोर्टल पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पुनः इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे पेन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके पेन फॉर्म वाला फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर रखा था डेस्कटॉप पे मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर है पेन फॉर्म, इसे मैं क्लिक किया क्योंकि ये PDF फॉर्मेट में है, इसे मैं ओपन किया। इसके बाद जो है पिक्चर कह रहा है, यहाँ पर मैं उस बच्चे का अपलोड करूँगा जिसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, ये देखिए वो बच्चा है। और इसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पर भी बच्चे का ही सिग्नेचर अपलोड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइव सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ और डॉक्यूमेंट की साइज़ वगैरह कैसे बनाना है वो सारा कुछ तो समझ में आ गया है क्योंकि मैंने इस विषय में पहले वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बनाना चाह रहा। वैसे काफ़ी सारे मेरे PSA पोर्टल UTI पैन कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे हैं, अगर आपको ID वगैरह भी लेना है इसकी फ्रेंच वगैरह भी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा सुविधा है जहाँ से आप ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं PSA, और काफ़ी फास्ट सर्विस है PSA की, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ अटैच कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन फॉर्म पिक्चर सिग्नेचर। इसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स फाइनली जो है अपलोड हो गया है और यहाँ पर नंबर भी आ गया, मतलब मैंने जो साइज वगैरह बनाई थी बिल्कुल परफेक्टली थी। याद रखिएगा दोस्तों, वैसा ही अगर आप सही साइज बनाएंगे तभी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक करना है कि आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में है या फिर और कोई समस्या है, तो वो हमें स्टेटस पर पता चल जाएगा। तो चलिए पुनः 49 सर्विस पर चलते हैं और यहाँ पर आपको स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पैन कार्ड स्टेटस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक पैन कार्ड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर जो
कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं 01/01/2004, यही उनका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से कैंडिडेट का जो है एप्लीकेशन का स्टेटस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम था आशीष, तो यहाँ पर आशीष आ गया है, देख सकते हैं। और उनका एप्लीकेशन का स्टेटस में भी ये कह रहा है कि आपने अभी तक बैच जनरेट नहीं किया है, इसलिए ये प्रक्रिया आगे नहीं जा सकती। तो चलिए हम इनका बैच जनरेट कर लेते हैं। बैच जनरेट के लिए आपको पुनः फॉर्म 49 ये सर्विस पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे बैच जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट बैच, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, इस पर आपको टिक करना है। और इसके बाद आपका कूपन का जो चार्जेस है 107 रुपये, वो आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उनका बैच जनरेट हो गया। अब हम जो है पुनः जो है एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हैं, ट्रैक पेन एप्लीकेशन, और यहाँ पर उनका एप्लीकेशन नंबर और उनका डेट ऑफ बर्थ, तो ये मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक किया। अभी जो मेरा आवेदन अंडर वेरिफिकेशन पर है, जब मेरा आवेदन वेरीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे मेल आईडी पर 4 से 5 दिनों पर ईमेल पर मुझे ई पैन कार्ड मिल जाएगा। वैसे तो बेसिकली जो ओरिजिनल होता है, जो बाय पोस्ट आता है, वो कम से कम 15 से 20 दिनों के समय में आपके बाय पोस्टल एड्रेस पर आता है, लेकिन जो ईमेल पर आता है वो कम से कम 4 तो मैक्सिमम डे है, कम से कम 4 या 5 दिन तो लगता ही है। तब तक हम इस वीडियो को पॉज करते हैं जब तक हमारी ईमेल आईडी पर ई पैन कार्ड नहीं आ जाता है। सो गाइस, मैंने जो है पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ था 15 तारीख को और आज है 20 तारीख, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि आपको जो पैन कार्ड मिलता है 4 से 5 दिनों पर, वो फिजिकली ईमेल पर आता है या नहीं, वो ही आपको प्रूफ दिखाने वाला था। इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 दिनों तक पॉज किया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की जो तारीख है 20 अगस्त 2020, और जो मैंने अप्लाई किया था वो 15 तारीख को किया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8 तारीख से 20 तारीख की डेट पर जो पैन कार्ड अप्लाई किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीष का, यहाँ पर आपको यूज़र का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीष, इसी का मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया था 15 तारीख को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज जो है 20 तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 अगस्त, तो यहाँ पर मेरे ईमेल पर आया है नहीं, वो मेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मुझे ई पैन कार्ड मिल गया है, और ये जो मेल आया है मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 तारीख को आ गया था, यानी 4 दिन में ही ई पैन कार्ड आपके मेल आईडी पर आ जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल जो मेल आईडी है uti.com, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के माध्यम से मुझे मेल मिला हुआ है। तो मैं पैन कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ व्यू करके। तो ये रहा पीडीएफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे जो है प्रोटेक्टर मांग रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 01/01/2004। इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उनका पैन कार्ड ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर का मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ था, यानी बच्चे का अप्लाई किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीष, और यहाँ पर फोटो नहीं आया है क्योंकि माइनर पर है, इसलिए नहीं आया है। और बाकी सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऑफिशियल चलते हैं, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था वहाँ भी आपको स्टेटस दिखा देता हूँ यूज़र का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक पेन एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और उनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, वही एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ भी वही एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जब आपका बाय पोस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट नंबर शो करने लगेगा और आपके मेल आईडी पर शो करने लगेगा, तो वो डेट भी यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 तारीख को उसने मेल किया हुआ था और मेरा मेल आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो भी कर रहा है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है, किस तरीके से आप जो है 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बिलो सेक्शन पर पूछना बिल्कुल ही मत भूलना। मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर अपडेट वीडियो की जानकारी मेरी ऐसे ही मिलती रहेगी।